चलिए एक नए बच्चे से मिलते हैं, हरिमोहन से, जिन्होंने निम्स से 23 में ऑल इंडिया 6 रैंक अचीव किए। तो हरिमोहन जो पंजाब कपूरथला से हैं, सबसे पहले हरिमोहन आपको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं अपने इस कामयाबी का श्रेय आपको और मैं अपने मामा मम्मी पापा को देना चाहूँगा। और मतलब मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेरा साथ दिया और सर आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो मेंटरशिप है, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपना को डिसिप्लिन रख सकता हूँ, और मैंने जो इस पीरियड के दौरान जो मैंने सीखा ना सर, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रखता है। और जो मैंने आपके थ्रू जो अचीव किया सर, वो मेरे लिए बहुत बहुत ही एक अलग ही मेरे लिए मायने रखता है। और मैंने सर आपके लास्ट ईयर मैजिकल कैप्सूल से ज्वाइन किया था, तो सर इस बार लास्ट ईयर तो मेरा हो नहीं पाया, तो इस बार मैंने सोचा कि एक ड्रॉप लेके ट्राई किया जाए। तो लास्ट ईयर CUT PG हुआ था, तो मैंने उसमें ट्राई किया कि एक बार उसको भी ट्राई करके देखा जाए। तो उसमें मुझे JNU और BHU दोनों मिल गए, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे ये मिल सकते हैं तो मुझे NIT भी मिल सकती है और मैं वहाँ पे और भी बेहतर कर सकता हूँ। तो सर मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया है, क्या मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से, अपनी लगन से, अपने पूरे मन से अपने आप को उसकी तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ, अपने आप को उस डायरेक्शन में ले सकता हूँ कि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। तो सर फिर मैंने आपके इंस्टीट्यूट को, फिर मैं अपने आप को अपग्रेड करता गया और सर मैंने फाइनली इस बार एग्जाम दिया, तो मेरी बहुत अच्छी रैंक आई और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। तो हरिमोहन के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हरिमोहन लास्ट ईयर इंपिटस गुरुकुल के मैजिकल कोर्स से जुड़े, बाई चांस अच्छी रैंक नहीं आई, पर CUT में हरिमोहन ने बेस्ट परफॉर्म किया, BHU मिला और JNU मिला। अक्सर लोग इन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, पर हरिमोहन का सपना था कि नहीं, मुझे NIT जाना है, और क्योंकि इतने अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। बिल्कुल ड्रॉप लिया, ऑनलाइन कोर्स से जुड़े, साल भर बहुत ही डेडिकेटेड प्रिपरेशन की, छोटी छोटी बात को फॉलो किया और ऑल इंडिया 6 रैंक अचीव की। वो चेहरे से ही दिख रही खुशी। तो हरिमोहन, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप इंपिटस गुरुकुल से जुड़े, काफी कुछ सीखा, तो आपकी पूरी जो इंटायर सक्सेस जर्नी वो कैसी रही, क्या रूटीन रहता था, किस तरह से आपने बातों को फॉलो किया, क्या क्या चीजें हैं जो आप अपनी बताना चाहोगे, क्योंकि जब इतनी खुशी होती तो कई बार हम बहुत सारी चीजें बताना ही भूल जाते, तो मैं चाहूंगा आप अपनी सारी बातें मुझे बताएं। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ जालंधर से की है, BSc कंप्यूटर साइंस से। तो सर मुझे सेकंड ईयर में मुझे पता चला कि NIMCET भी होता है, उससे पहले मैं IIT जैम के लिए तैयार कर रहा था। फिर मैंने ठीक सोचा है, कंप्यूटर, मेरा ऑलरेडी बैचलर्स कंप्यूटर्स में था, तो मैंने सोचा कंप्यूटर्स में ट्राई किया जाए। और एग्जाम में भी मैथमेटिक्स आता था, मेरा मैथमेटिक्स शुरू से ही, मुझे बचपन से बहुत पसंद था मैथमेटिक्स। इसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेरे फादर ने डाली थी, वो खुद BSc नॉन मेडिकल से थे, तो उन्होंने मतलब बहुत सिखाया, तो फिर उन्होंने फाउंडेशन डाली। फिर मैंने JEE का अटेम्प्ट भी दिया था, वो मेरा इतना अच्छा नहीं गया, फिर मैंने BSc ज्वाइन की। फिर मैंने धीरे धीरे जाना कि भाई ये एग्जाम्स होते हैं, NIMCET भी होता है। फिर मैंने YouTube के थ्रू थोड़ा बहुत सीखा, फिर मैं आपके चैनल तक पहुंचा, फिर मैंने मैजिकल कैप्सूल ज्वाइन लास्ट तो फिर इस बार मैंने पूरा एक शेड्यूल, एक प्रॉपर वे से प्लानिंग किया, पता लग गया था ना, तो फिर मतलब समझ लो कि आप एक अपने आप को एक अपग्रेड कर चुके हो। तो मैं हर दिन अपने आप को कुछ इम्प्रूवमेंट लाता रहा, अपने आप के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहा कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, अपने आप को ऐसे बेहतर कर सकता हूँ। एंटायर जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, सिर्फ ये नहीं कि हम एग्जाम देने के लिए ये कर रहे हैं, परंतु उसके अलावा मैंने इतने काफी सारी हैबिट्स डेवलप की, अपने आप को नई नई चीजों को ट्राई किया, मतलब कैसे किसी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं और कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या इसको सॉल्व करने कोई नया मेथड भी हो सकता है इस तरीके से। और मैंने टेस्ट को बहुत अच्छे से फॉलो किया, हर एक टेस्ट का डीपली एनालिसिस किया। अपने क्वेश्चन पेपर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व किया करता था जनरली, जैसे कि आप बताते थे सर कि पहले जो आता है पहले वो करना है, जो नहीं आता तो वो तो चलो बाद की बात है, पहले जो आता उसको एक्यूरेटली करना है, उसको गलत नहीं करना, पहले मैंने वो करता। फिर सेकंड में मैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं पर वो टाइम ले रहे, फिर उसको अटेम्प्ट करता। फिर ऐसे करते करते मैं अपने आप को अपग्रेड करता गया।
और फाइनल में मतलब मेरे जनरल में तो मेरा मतलब बहुत अच्छा गया सर। हमेशा कहते थे कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो तो बहुत हाई लेवल की है, पर जब आप फाइनल में एंडिंग सेट में जब जाओगे तो वो आपको बहुत इजी लगा लगने लगा। मुझे मेरे साथ ऐसे रहा, मैंने मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दिया। और मेरे और मुझे सर की एक बात मतलब आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा था कि मैथ्स से ही आपको सिलेक्शन ले लेना है, तो मैंने वही चीज़ फॉलो की और मैंने सिर्फ मैथ्स से ही 470 मार्क्स अटेन कर लिए थे, जिससे मतलब मैथ्स से ही मेरा सिलेक्शन हो जाना था और बाकी सब तो बोनस था। उससे मेरी रैंक बहुत इम्प्रूव होगी। लास्ट ईयर 955 थी मेरी और सीधा बहुत बड़ा जंप किया मैंने, ऑल इंडिया 6 आया। सर आपका इसमें मतलब बहुत योगदान आपके इंस्टीट्यूट का, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपसे जुड़ा, मतलब ये वन ऑफ द मेरे लिए बहुत अच्छे डिसीजन थे कि मैं आपके साथ जुड़ पाया। तो हरिमोहन, आपने जो बात बोली कि आपने बहुत ही डिसिप्लिन से फॉलो किया, 900 की रैंक से सीधा सीधा 6 रैंक पे आना, और आपने बहुत छोटी छोटी बातों को फॉलो किया। तो जब आप टेस्ट देते थे तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखते थे? जैसे मैं बहुत सारी बातें टेस्ट के समय बताता था, तो कई बच्चे तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, पर कई बार कुछ बच्चे फॉलो नहीं करते। कई बार जैसे एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं परफॉर्म, पर एग्जाम में ओवर थिंकिंग, ओवर प्रेशर। तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखा? सर सबसे पहले मतलब आपने कहा था कि अपने जब भी टेस्ट देना, तो आप मतलब मैंने लगभग 72 मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, तो मैं अपना पूरा माहौल ऐसा तैयार करता था कि मैं असलियत में टेस्ट दे रहा हूँ, फाइनल टेस्ट दे रहा हूँ। मतलब हर एक टेस्ट को मैं समझता था कि ये मेरा फाइनल टेस्ट है, इसमें मुझे अपना बेस्ट देना है, तो उसी हिसाब से मैं प्रिपेयर करता। और सर आपके ने ये कहा था कि मतलब पूरा यूनिफॉर्म में बैठ के पेपर देना, तो मैं पूरा यूनिफॉर्म में बैठ के पेपर देता था। जो मुझे ड्रेस पहनी थी, जो मुझे शूज पहने थे, यार ओके, मैं डेली अपना टेस्ट देता था। कोई बात तो नहीं जा रहा, मतलब मेरी मम्मा को इतना पता नहीं था कि मैं ये भी सब। मेरी एक छोटी छोटी जो ये चीजें है ना, ये आपके फाइनल के लिए बहुत हेल्प करती है। मतलब आप ये जो छोटी छोटी चीजें कर रहे हो कि आप पूरे ड्रेस कोड से आप टेस्ट दे रहे हो, आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, आप अपने क्वेश्चन को बहुत एक्यूरेटली कर पा रहे हो, तो आप जब छोटी छोटी चीजों पे वर्क करते हो तो आप एक अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो एक्चुअल में। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बेनिफिट रही। और जब फाइनल एग्जाम हुआ तो जनरली बच्चे घबरा जाते हैं, पर मैं अपने आप से मतलब डेली नाइट में मतलब मैं अपने आप से कहता था कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं बेस्ट अचीव करूंगा। तो मैं डेली रात को सोने से पहले अपने आप से ये कहता, अपने आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब लाता था। आप हमेशा कहते थे कि जनरली बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं, तो मैंने सबसे पहले इस चीज पे वर्क किया, मैं अपने माइंड को, अपने आप को काम रख सकूं, अपने आप को पॉजिटिव रख सकूं। मतलब ये चीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। लास्ट डेज में मैं जनरली थोड़ी सी रिविजन करता, अपना डेली टेस्ट देता और अपने आप को काम रखता कि भाई हाँ मतलब मैंने पूरे साल मेहनत की है, बुरा तो टेस्ट जाएगा ही नहीं मेरा, हमेशा अच्छा ही जाएगा। तो इतनी मेहनत की है तो हम अच्छा ही करेंगे, तो हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखता था। मतलब मेरे फादर ने हमेशा मुझे कहा कि मतलब हमेशा मेहनत करने वाले को कभी मतलब निराशा नहीं होती। हो सकता है कुछ थोड़ा लेट मिले अपना फल, परंतु हमेशा मेहनत करने वाले को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही। तो मुझे मैंने बहुत कुछ सीखा इस एंटायर जर्नी में तो आपके साथ हरिमोहन, जुड़कर। बिल्कुल सही बात बोली आपने। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने आप को देना है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। और आपका देखिए वाकई में अच्छा रिजल्ट आया। कई बार हम खूब मेहनत करते हो फिर भी ये बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं फाइनल एग्जाम में क्या होगा। जैसे इस बार का पेपर एक ऐसा पेपर था जो थोड़ा सा अलग तरह का था, बैलेंस नहीं था, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक का नहीं था, कई बच्चे पैनिक हो गए, कई बच्चों की एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हुई। बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे भी वहां पे जाके पैनिक हो गए या सही क्वेश्चन गलत कर दिए, जबकि इस बार रिपीट क्वेश्चन भी थे, कंप्यूटर के भी रिपीट थे, PYQ से आए थे, मैंने इतना सब बोला, PYQ करवाया। तो ये सब चीजें हो जाती, पर आपने क्योंकि अपने ब्रेन को हमेशा सही काउंसलिंग दी। तो अच्छा एक बार बताओ, जब आप पेपर देने गए और आपने पेपर देखा, तो क्योंकि बैलेंस नहीं था तो कई बार कई बच्चे पैनिक हुए, ऐसा हो सकता है आपके साथ भी कुछ सिचुएशन आई, तो आपने उसको किस ढंग से हैंडल किया? तो सबसे पहले जब मैंने पेपर देखा तो मतलब कुछ तो PYQ आ गए थे, और सर आपने तो तीन चार बार तो आपने PYQ ही कराए थे, तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड थे, मतलब कुछ याद रह गए। कुछ एक क्वेश्चन तो मतलब ये है ना, मैथ्स याद नहीं कर सकते, मैथ्स को समझना ही पड़ता है। तो कुछ एक क्वेश्चन को मैंने फिर से सॉल्व किया, भाई आता तो था ही मुझे, तो मैंने सॉल्व कर लिया। बाकी जो क्वेश्चन थे उनमें ये था कि अगर आप हर क्वेश्चन के ऑन एन एवरेज अगर आप 30 सेकेंड 20 सेकेंड अगर आप एक्स्ट्रा दे दोगे ना, तो आपको वो सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे माइंड में ये था कि पहले तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया कि मतलब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अगर अच्छा रखेंगे ना, तो हम अपना हम किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो मैंने यही चीज़ फॉलो की,
और सर लास्ट ईयर मेरे 29 के आसपास ठीक रहे, 28-29 थे, तो सर इस बार अबव 40 मेरे मैथ्स में ठीक रहे और मुश्किल से एक दो ही गलत हुए मेरे। तो मतलब मैंने अपनी एक्यूरेसी पे बहुत वर्क किया मैथ्स में, और मैंने मेरा पूरा प्योरली फोकस मेरा मैथ्स पे था, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है निमसेट के एग्जाम में जो आपको अकेले ही आपका सिलेक्शन पक्का करवा देगा। तो मतलब मैंने मैथ्स को बहुत फोकस किया, और बाकी जो LR और वगैरह LR रीजनिंग है या आपका कंप्यूटर है वो तो मेरे लिए बोनस था, और उसने मेरी रैंक बनाई। तो सिर्फ मैथ्स से मैंने सिलेक्शन लिया, और जब पेपर आया मेरे सामने तब मेरे माइंड में एक क्लियर था, या तो मुझसे बनेगा या तो किसी से नहीं बनेगा, ये मेरे माइंड में था। कि आपने कहा था अगर बनेगा तो सभी से बनेगा या तो नहीं बनेगा, तो मैंने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा कि अगर मुझसे बन रहा है तो डेफिनेटली, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको टाइम लग रहा है जनरली, तो उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखा कि अगर क्वेश्चन थोड़ा भी ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपके आगे वाले क्वेश्चन खराब कर देगा। तो मैंने इस चीज़ को बहुत प्रिसाइसली यूज़ किया कि अगर क्वेश्चन में अगर हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको छोड़ना ज़रूरी है। इसी वजह से मेरे मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ पाए और मैं उनमें एक्यूरेसी का फायदा ले पाया, जिससे मेरे मैथ्स में ही बहुत अच्छे नंबर बन गए। और मतलब मुझे अच्छा लगा कि मतलब मैंने मॉक टेस्ट में ही अपने साथ सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। आप हमेशा कहते थे कि जितने एक्सपेरिमेंट करने मॉक टेस्ट के साथ कर लो, फाइनल में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, फाइनल में बस आपको अपना बेस्ट देके आना है। तो मैंने सोचा था कि मैंने अपना अभी तक बेस्ट तैयारी की है, अब मैं अपना बेस्ट दूंगा और डेफिनेटली मैं अपने लिए बेस्ट अचीव करूंगा। तो इसी सोच के साथ मैं गया था, और सर आज मैं आपकी बदौलत बहुत अच्छे से मेरी बहुत बढ़िया रैंक आ गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल सही बात बोली हरिमोहन आपने, क्या है बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, पेपर में पैनिक नहीं हुए, मैथ्स पे बहुत अच्छे से काम किया, सारी चीजें आपने रखी। अभी बहुत ही जल्दी आप भोपाल में अवार्ड लेने भी आने वाले हैं, प्राइज लेने भी आने वाले हैं। तो मोहन एक चीज बताइए कि जैसे आपने ड्रॉप लिया था, कई बार लोग ड्रॉप की हिम्मत नहीं जुटा पाते या कंप्रोमाइज करने से डरते हैं, तो आप सबसे पहले बताओ फ्रेशर बच्चों को या ड्रॉपर बच्चों को, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मेरा फर्स्ट मैसेज तो दोनों के लिए कॉमन है कि मैथ्स पे पूरा फोकस करो। मैथ्स तो बहुत कंपलसरी है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन करवा देगा, बाकी सब तो आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट के लिए साधन है। तो पहला तो यही है। अब मैं ड्रॉपर्स को ये करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है आप अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं, आप अपने आप को एक एक हायर गोल के लिए आप अपने आप को डेडिकेटेड कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली एक ईयर जरूर लगाएं वो, क्योंकि आपका वेस्ट ईयर नहीं होगा। जनरली बच्चे ऐसा मान लेते हैं कि मैं एक साल अपना वेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मुझे भी ऐसा लगा था कि मतलब मैं अपना वेस्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा तो BHU में हो गया था, मतलब मेरे मन में भी सवाल आए थे, पर मैंने सोचा कि अगर मैं अपना एक साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा एक इन्वेस्टिंग पीरियड है, वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में हमें मिलेगा, क्योंकि वो चीज जब आप किसी चीज के लिए एजुकेशन के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट कभी वेस्टेज नहीं होती, आप हमेशा इन्वेस्ट मतलब हमें अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। और मेरा जो एक साल मैंने जो इन्वेस्ट किया, तो सर मैं आपके सामने कि ये ड्रॉप लिया वो मेरे लिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में जुड़ जुड़ के मेरे लिए 1000 गुना बहुत बेहतर बनकर आया, और मैं 9955 से सीधा 6 पे जंप किया। तो मैं ये डेफिनेटली कहूंगा अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ आपको अपना वर्क करना है, अपने आप को मेंटेन रखना है। फ्रेशर्स के लिए कहूंगा कि आपको शुरू से ही मेहनत करनी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर लें, मैथ्स के कंसेप्ट पे क्लियरिटी रखें, बहुत जरूरी है। और फाइनल टाइम में आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली ये होता है कि बच्चे शुरू से बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, परंतु फाइनल में कुछ ऊटपटांग सवाल आने लग जाता है कि भाई मतलब मैंने कोचिंग की है, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। जब जिस टाइम आपके दिमाग में वो ख्याल आ गया उसी टाइम आप एक लो लेवल पे चले जाते। मैंने कभी दिमाग में ये ख्याल नहीं लाया कि मेरा नहीं होगा, मैंने हमेशा यही ख्याल आया कि मेरा जरूर होगा, बहुत अच्छे से होगा और मेरे लिए बेस्ट होगा, और मेरा आज बेस्ट आपके सामने है सर, और मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा। आप ऐसे ही खुश रहो, अभी बहुत तरक्की करना है, अभी NIT त्रिची जाके भी परफॉर्म करना है, फर्स्ट सेमेस्टर का जैसे मैंने सभी बच्चों को बोला था सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दें, आपने भी सी सी प्लस प्लस DS पढ़ना चालू कर दिया, बहुत अच्छी बात है मोहन। यस अब सर, आप अपने आप को तैयार करिए, भोपाल आने की तैयारी करिए, और बहुत जल्दी हम फिर से मिलने यस वाले हैं। आप अपने जूनियर्स को मोटिवेट करिए, पंजाब में कई बच्चे आपको यस देख के एक आइडियली समझ पाएंगे कि नहीं प्रिपरेशन की जा सकती है, प्रिपरेशन घर रह के भी की जा सकती है, क्लासरूम में भी की जा सकती है। इस बार इम्पीटस में यस सर, क्लासरूम ऑनलाइन दोनों ने बेस्ट परफॉर्म किया है, और ऐसे ही आगे भी परफॉर्म करेंगे बच्चे मेरे, तो मुझे बहुत खुशी की लगी।
चलिए अब आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयां एंड ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू वेरी मच सर, यू आपसे जुड़ बेटा। के मतलब बहुत अच्छा लगा सर।